स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों आज हम सब पढ़ेंगे 10th की साइंस, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा पीएच मान के बारे में, या जिसे पीएच स्केल कहते हैं। चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पीएच मान। आज का टॉपिक है पीएच मान, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल, तो सबसे पहले जानेंगे पीएच मान के बारे में। तो यदि पीएच मान की बात किया जाए तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, यानी सर्वप्रथम इसको खोजा जो गया था, वो डेनिस की एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है कार्लसबर्ग, यानी डेनिस एक शहर है, इसमें एक प्रयोगशाला है कार्लसबर्ग प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। इसमें एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सारेंसन, इनका नाम है सारेंसन। यदि इनके फुल नेम की बात किया जाए, पूरे नाम की, तो इनका पूरा नाम है सारेन पेडर, सारेन पेडर लॉरिटास, लॉरिटास सारेंसन, सारेंसन। इस प्रकार सारेंसन ने 1909 में, कब 1909 में, सर्वप्रथम पीएच मान की अवधारणा को रखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि पीएच मान की बात किया जाए कि पीएच मान जो होता है, यानी जो पीएच मान है, इसे मापा क्या जाता है, तो इससे मुख्यतः किसी विलयन की, यानी विलयन की अम्लीयता, अम्लीयता अथवा क्षारीयता, अम्लीयता या क्षारीयता, यानी पीएच जो मान है, इससे किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद सारेंसन ने 1909 में इसको दिया, तो इसमें कुछ त्रुटियां थी। उसके बाद पुनः सारेंसन ने 1924 में पीएच का शुद्धिकरण करके पुनः पीएच मान दिया। अब इसमें यदि पी की बात करें तो पी के विभिन्न अर्थ हैं। जैसे यदि फ्रेंच की बात किया जाए, फ्रेंच, तो इसमें पी को मुख्यतः प्यूसेंस कहा जाता है, प्यूसेंस फ्रेंच की लैंग्वेज में। उसके बाद वहीं अगर जर्मन की बात किया जाए, जर्मन, तो जर्मन में पी को पोटेंज, जर्मन में पी को पोटेंज कहा जाएगा। उसके बाद वहीं अगर बात करें डेनिस की, डेनिस यानी ये जहां सबसे पहले बना था, तो डेनिस में इसे कहा जाएगा पोटेंस, पोटेंस। वहीं अगर लैटिन की बात करें,
कि लैटिन में पी को क्या कहा जाएगा लैटिन भाषा में, तो लैटिन भाषा में पी को मुख्यतः पोंडस अथवा इसे एक और नाम से जाना जाता है पोटेंसिया, पोटेंसिया ये लैटिन लैंग्वेज में इसे कहा जाता था। और वहीं अगर यच की बात करें तो यच हाइड्रोजन, यच से हाइड्रोजन, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि पीएच का पूरा मान देखा जाए तो पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच का पूरा मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति। तो इस प्रकार कह सकते हैं यहाँ जो प्यूसेंस लिखा गया है, पोटेंस लिखा गया है, पोटेंस लिखा गया है, या पॉन्डस लिखा गया है, या पोटेंसिया लिखा गया है, इन सभी का जो अर्थ है वो पावर है यानी शक्ति, इन सभी का जो अर्थ है वो शक्ति है या पावर है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो पीएच है इसका अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति, या इसे एक और नाम से जाने जाना जाता है हाइड्रोजन का सांद्रण, इसे हाइड्रोजन का सांद्रण भी कहा जाता है। तो आई थिंक पीएच के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग पीएच की परिभाषा। चलिए आगे देखते हैं पीएच की परिभाषा। पीएच की यदि परिभाषा की बात किया जाए तो इसमें मुख्यतः दो परिभाषाएं हैं, परिभाषा तो सबसे पहले पहली परिभाषा जो है कुछ इस प्रकार है, जैसे हाइड्रोजन आयनों के, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में, लीटर में सांद्रण, मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक, के ऋणात्मक लघुगणक को, लघु गणक को पीएच मान कहते हैं, पीएच मान कहते हैं, या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जैसे पीएच इक्वल टू माइनस लॉग पीएच पॉजिटिव, इस प्रकार लिखा जाएगा पहली डेफिनेशन के अनुसार, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं लॉग लॉग वन अपॉन पीएच पॉजिटिव आयन, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। इस पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको अभी बताया जाएगा। तो दूसरी परिभाषा देखते हैं, ये तो पहली हो गई पहली डेफिनेशन। दूसरी परिभाषा की यदि बात करें तो दूसरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जैसे हाइड्रोजन आयनों के
दूसरी परिभाषा है हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। इसकी यदि डेफिनेशन की इसकी यदि फार्मूले की बात किया जाए तो इसमें फार्मूला इस प्रकार लिख सकते हैं, एच पॉजिटिव इक्वल टू 10⁻⁶। इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इन दोनों पे मुख्यतः सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसको अभी आगे बताया जाएगा, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद आगे हम लोग जानेंगे कि पीएच जो मान होता है वो अम्लीय और क्षारीय कब होता है, यानी कितने डिजिट पे अम्लीय होता है और कितने डिजिट पे क्षारीय होता है। तो यदि पीएच मान की बात किया जाए तो 7 यानी 7 नंबर की बात किया जाए तो यहाँ जो पीएच स्केल होगा, पीएच मान वो उदासीन होगा। उसके बाद यदि पीएच का मान 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है एंड सो ऑन, यानी अधिक होता है, तो ये मुख्यतः क्षारीय के अंतर्गत आएगा। क्षारीय यानी इसका जो पीएच मान रहेगा वो क्षारीय होगा। वहीं अगर 7 से कम, 6, 5, 4, 3, 2, 1 या 1 से भी कम पॉइंट में कुछ रहेगा तो ये मुख्यतः आएगा अम्लीय के अंतर्गत। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 7 से यदि ऊपर है यानी 8, 9, 10 या एंड सो ऑन है तो ये वह बिलियन जो रहेगा वो क्षारीय रहेगा। और वहीं अगर 7 से कम है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है या और कम है तो वह बिलियन जो है अम्लीय रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान। तो सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पदार्थ लिख लेते हैं और यहाँ उनका पीएच मान। तो पदार्थ में पहले नंबर पे रख सकते हैं नींबू का रस। इसके पीएच मान की यदि बात करें तो इसका पीएच मान होता है 2.2 से 2.4 के बीच, यानी 2.2 से 2.4 के बीच नींबू के रस का पीएच मान होता है। दूसरे नंबर पे यदि बात किया जाए, दूसरे नंबर पे रख सकते हैं सिरका, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है विनेगर। तो इसके पीएच मान की बात किया जाए तो इसका पीएच मान होगा 2.5 से 3.4 के बीच, 2.5 से 3.5 के बीच इसका पीएच मान होता है। तीसरे नंबर की यदि बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है वाइन या शराब जिसे कहा जाता है,
यदि इसके पीएच मान की बात किया जाए तो इसका पीएच मान मुख्यतः 2.8 से 2.8 से 3.4 के बीच होता है। उसके बाद चौथे नंबर की यदि बात करें, चौथे नंबर पर रख सकते हैं टमाटर का जूस। टमाटर का जूस यदि इसके पीएच मान की बात करें तो इसके पीएच मान मुख्यतः होते हैं 4 से यानी 4 से 4.4 के बीच होता है इसका पीएच मान। वहीं अगर बात करें कॉफ़ी की, पांचवें नंबर पे कॉफ़ी, तो इसका पीएच मान मुख्यतः होता है 4.5 के बीच इसका पीएच मान होता है। वहीं अगर बात करें सिक्स नंबर पे यूरिन की या जिसे मूत्र कहा जाता है, तो इसका पीएच मान मुख्यतः होता है 4.8 से 8.4 के बीच इसका पीएच मान होता है। वहीं अगर अगले नंबर की बात करें सेवन पे लार या जिसे सलीवा कहा जाता है, मनुष्य के लार की यदि बात करें तो इसका पीएच मान होता है 6.5 to 7.5 के बीच। वहीं अगर बात करें अगले नंबर पे आठवें की, इसमें रख सकते हैं दूध मिल्क। यदि इसकी बात करें तो इसका पीएच मान होता है 6.4। वहीं नवें नंबर पे यदि बात करें नवें नंबर पे रख सकते हैं रक्त। इसके पीएच मान की यदि बात करें तो इसका पीएच मान होता है 7.4। अगले नंबर पर ये दसवें की बात करें, दसवें पे शुद्ध जल। इसके यदि पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान होता है 7, एक्यूरेट एकदम होता है 7 इसका पीएच मान होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये सब जितने भी हैं ये अम्लीय के अंतर्गत आ सकते हैं अम्लीय। उसके बाद यहाँ 7 से जब एबब होगा तो वो क्षारीय के अंतर्गत आएगा, जैसे उसमें समुद्री जल हो गया, आंसू हो गया जैसे टीयर कहते हैं इसका। इस समुद्री जल की बात करें तो उसका पीएच मान होता है 8.4, आंसू की बात करें तो उसका पीएच मान होता है 7.4। इस प्रकार ये क्षारीय के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखेंगे इस पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दिया गया किसी विलयन का पीएच मान, जैसे यहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दिया गया किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, सपोज दैट मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पीएच मान कितना दिया गया वो देख लेंगे। तो यदि सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पीएच मान जो दिया गया है वो 3 दिया गया है। उसके बाद यहाँ फार्मूला लगाएंगे दूसरी वाली डेफिनेशन के अनुसार, एच पॉजिटिव इक्वल टू 10 पावर पीएच था, ये फार्मूला लगाएंगे। तो चूंकि पीएच ऑलरेडी दिया गया है 3, तो यहाँ हो जाएगा एच पॉजिटिव इक्वल टू पीएच माइनस 3 मोल प्रति लीटर। ये
पीएच का मात्रक है, इसको जरूर लिखेंगे। तो इस प्रकार ये हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण हो गया वो 10^-3 हो गया। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सपोज दैट, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पीएच मान पूछ लिया है और हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया गया है। जैसे सपोज दैट दूसरा क्वेश्चन की बात करें कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया है 10^-9, तो पीएच मान की, पीएच मान की गणना करना है। तो इस प्रकार इसको लगाएंगे, जैसे यहाँ चूंकि यहाँ दिया गया है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जो दिया गया है वो 10^-9 है। तो यदि प्रथम विधि की बात करें, प्रथम विधि तो इस प्रकार लगा सकते हैं, जैसे pH इक्वल टू -log H पॉजिटिव आयन। तो चूंकि यहाँ जो H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन का सांद्रण जो दिया गया है वो 10^-9 दिया गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं -log 10^-9। तो यहाँ पीएच मान जो हो गया, यानी पीएच इक्वल टू हो जाएगा 9। अब चूंकि ये 9 है तो ये 7 से अधिक है, तो ये हो जाएगा क्षारीय। कभी कभी प्रकृति भी पूछ लेता है कि यदि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इतना दिया गया है तो पीएच मान की गणना कीजिए और ये भी बताइए कि यह विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो 7 से अवैध रहेगा तो क्षारीय, 7 से बिलो रहेगा तो अम्लीय। और द्वितीय विधि की यदि बात करें, द्वितीय विधि में दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे एस पॉजिटिव इक्वल टू होता है 10^-pH। तब यहाँ एच पॉजिटिव आयन दिया ही गया है तो यहाँ लिख देंगे 10^-9 इक्वल टू 10^pH। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा pH इक्वल टू, यानी इसको इधर लाएंगे, pH इक्वल टू हो जाएगा 9। तो यहाँ भी pH का मान हो गया 9, ये आंसर। और ये 7 से अबव है इसलिए ये क्षारीय। तो इस प्रकार दोनों विधियों से pH मान ज्ञात कर सकते हैं। एक और टाइप आता है एग्जाम में, उसको भी देख लेंगे। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन दे दिया, हाइड्रॉक्साइड आयन का सांद्रण इसका मान लीजिए दिया गया है 1×10^-10। ये सांद्रण दिया गया है मोल प्रति लीटर। अब इसका पीएच मान ज्ञात करना है, तो पीएच मान ज्ञात करना है। इसको देखेंगे, चूंकि सबसे पहले देखेंगे कि ये यानी हाइड्रॉक्साइड जो आयन है वो कितना दिया गया है। तो यहाँ हाइड्रॉक्साइड आयन के लिए यानी सॉल्यूशन में देखेंगे OH नेगेटिव, जब एच रहता है तो पॉजिटिव, OH रहता है तो नेगेटिव। OH नेगेटिव इक्वल टू यहाँ दिया गया है 10^-10 मोल प्रति लीटर ये दिया गया है। क्योंकि जब जल के आयनिक गुणनफल का मान देखेंगे, यानी इसके लिए जल
आयनिक गुणनफल का मान, आयनिक गुणन फल का मान, इसका मान होता है 1 × 10⁻¹⁴। इसका मान होता है, अब इस पे फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ एच पॉजिटिव इंटू ओ एच निगेटिव ये करेंगे इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁴। अब इसलिए यहाँ हाइड्रोजन जो आयन है वो हो जाएगा एच पॉजिटिव इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁴ अपान ओ एच निगेटिव, ओ एच निगेटिव ये हो जाएगा। अब इसमें ओ एच का मान लिख देंगे, तो ओ एच का मान है यहाँ लिख देंगे 1.14 अपान ओ एच का मान है 1 × 10⁻¹⁰। ये ओ एच का मान है, इक्वल टू हो जाएगा सॉल्व करने के बाद यहाँ 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर ये आ जाएगा। उसके बाद अब चूंकि एच पॉजिटिव इक्वल टू होता है, एच पॉजिटिव इक्वल टू होता है 10⁻⁶, तो यहाँ एच पॉजिटिव दिया गया है 10⁻⁴ इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁶। अब यहाँ पीएच को इधर लाएंगे तो पीएच इक्वल टू हो जाएगा, पीएच इक्वल टू हो जाएगा 4, तो यहाँ पीएच का जो मान आ गया वो 4। अब चूंकि ये 7 से कम है इसलिए ये हो जाएगा अम्लीय। तो इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देता है पीएच के बेस पे, जिसको आप लोगों को सॉल्व करना होता है। तो बस आज इतना ही, इसके बाद आगे आप लोगों को बताया जाएगा पीएच सूचक के बारे में, उसको देखना ना भूलें। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे कमेंट बॉक्स में, उसको देख करके आप लोग उसका आंसर देंगे। जय हिंद।